गांव जाके हिंगनघाट की अंबेडकर स्कूल के शिक्षक अपने माध्यम से अध्यापन का कार्य करते हैं। अंबेडकर स्कूल का स्तुत्य उपक्रम, लॉकडाउन रहती स्कूल बंद है, तब गांव जाके विद्यार्थियों के घर में जाके देते हैं शिक्षा। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। इन स्कूल कॉलेजों में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें और कितने दिन पढ़ाई से वंचित रखा जाए, ये सोचते हुए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश शुरू की। लेकिन हर एक विद्यार्थी के पास मोबाइल की उपलब्धता होना आज तो मुश्किल है। जो गरीब है वो कहाँ से मोबाइल लाएंगे? ऐसे गरीब लोगों के बच्चों को फिर इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ कैसे मिलेगा? उन्हें भी शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, इस भावना से शहर के अंबेडकर स्कूल की व्यवस्थापिका संचालक अनिल जावेद इनकी संकल्पना और इनके शिक्षक इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को उनके गांव जाके अपने माध्यम से ज्ञान की गंगा सबके द्वार पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस समाज सेवी स्कूल संस्था ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षण देना चालू किया है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की निर्मिति करके विद्यार्थियों के घर तक ज्ञान गंगा पहुंचाने का उपक्रम शुरू किया। अनिल जावेद ने अपने स्कूल क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों की सहायता लेकर कक्षा पहली से चौथी तक सभी विषय विद्यार्थियों तक पहुँचाने का दिव्य कार्य किया, साथ ही उनकी समस्या और दिक्कतें भी जान रहे हैं। लगता है जैसे शिक्षक खुद अपनी आँखों के सामने खड़े रहकर पढ़ा रहे हो। विषय को सटीकता से पढ़ाया जाता है कि जैसे शिक्षक आपके सामने हो, ये एक ऐसी अनुभूति है जैसे हम स्कूल में बैठकर पढ़ रहे हो। वर्धा जिले हिंगनघाट के अनुभवी व उत्कृष्ट शिक्षकों की प्रतिभा का अंबेडकर स्कूल खूबी से इस्तेमाल की वैशिष्टता है। घर घर पढ़ाई के माध्यम से अपना अध्यापन का कार्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करने का एक उत्कृष्ट प्रयास स्कूल द्वारा घर घर पढ़ाई कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। अनिल जावेद के द्वारा इस अनोखे उपक्रम को अमल में लाया है। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम को स्कूल के छात्रों ने भी भर भर के प्रतिसाद दिया है। विद्यार्थियों की शिक्षा का हक घर घर पढ़ाई व्यवस्थापकीय संचालक अनिल जावेद कोविड-19 वजह से बिगड़ी पढ़ाई की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए एक आशा की किरण है। इसका लाभ विद्यार्थियों ने लेने का आह्वान इन्होंने किया है। हिंगनघाट से रवि नरकर की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।